अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी प्लम केक रेसिपी। ये क्रिसमस स्पेशल रेसिपी है। प्लम केक बनाने के लिए ये इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है: गेहूं का आटा, दो ऑरेंजेस, गुड़, घी, ईनो, ड्राई फ्रूट्स, पानी। ड्राई फ्रूट्स को छोटे छोटे स्लाइसेस में हमने कट कर लिया इस तरह, और फिर ऑरेंज को स्क्वीज कर लिया, जूस ऑरेंज जूस निकाल लिया एक बाउल में इस तरह। अगर आपके पास फ्रेश ऑरेंज नहीं है तो आप पल्पी ऑरेंज जूस से भी इसको ट्राई कर सकते हैं। एक कढ़ाई ले लें, उसमें एक स्पून घी ऐड करें और बारीक कट किए हुए ड्राई फ्रूट्स को इसमें फ्राई कर लें इस तरह, थोड़ा ब्राउन कलर आने तक। घी में फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स को एक प्लेट में निकाल लें और फिर उसी पैन में घी के साथ ही आप जैगरी ऐड कर दें और हाफ ग्लास पानी ऐड कर दें और अच्छी तरह पका लें इसको। गुड़ मेल्ट होने तक ही पकाएं, ज़्यादा ना पकाएं वरना ये थिक हो जाएगा। इस कंसिस्टेंसी में पकाएं और फिर इसमें ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर लें। तो ड्राई फ्रूट्स आप इसमें टूटी फ्रूटी ऐड कर सकते हैं, किशमिश मुझे पसंद नहीं, मैंने नहीं ऐड की। फिर एक बाउल ले लें और इसमें ऑरेंज जूस जो हमने लिया था वो इसमें ऐड कर लें, और गेहूं का आटा थोड़ा थोड़ा डालते हुए आप इसको अच्छी तरह मिक्स कीजिए। आटे को मिक्स करते हुए फिर जो हमने इस पकाया था शीरा वो ऐड करते हुए मिक्स कीजिए। फिर थोड़ा थोड़ा गेहूं का आटा ऐड कीजिए। इसकी कंसिस्टेंसी ना कि ज़्यादा पतली ना ही ज़्यादा गाढ़ी, इस तरह होनी चाहिए। मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि कंसिस्टेंसी किस तरह होनी चाहिए। फिर इसमें आप ईनो ऐड कर लें, मैंने हाफ पैकेट ईनो ऐड किया। आप जितना बना रहे हैं उसकी कंसिस्टेंसी के मुताबिक ईनो ऐड कर लें। ईनो ऐड करने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर दें। तो ये रही हमारी कंसिस्टेंसी, इस तरह होनी चाहिए, लेयर्स इस तरह पड़ने चाहिए, जब भी केक अच्छी तरह फ्लफी आएगा। प्लम केक का बैटर तैयार हो गया है। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करने से पहले अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप उस बाउल को घी अप्लाई कर दें इस तरह साइड्स में। अच्छी तरह घी अप्लाई करने के बाद आप इसमें थोड़ा सा मैदे का आटा ले लें और इस पर इस तरह छिड़क लें। छिड़कने के बाद बाउल को इस तरह करके एक्स्ट्रा आटे को रिमूव कर दें इस तरह। अगर आपके पास घी नहीं हो तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उस बैटर को आप इसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए इस तरह, और फिर इसको टैप टैप कीजिए, इसमें से छोटे छोटे बबल्स आएंगे। केक नीचे इक्वली रहेगा राउंड, देखा आपने छोटे छोटे बबल्स। फिर आप एक कढ़ाई ले लें और इसमें स्टैंड रख दें, फिर इसके अंदर उस बॉल को रखेंगे हम। हमने इसको प्रीहीट कर लिया 2-3 मिनट्स रख कर। फिर आप इसको ढांक कर एग्जैक्ट 40 मिनट्स पका लें। ये देखिए केक थोड़ा फूल चुका है। फिर मैंने इसको चेक किया 30 मिनट्स के बाद, 30 मिनट्स को ही पक चुका था केक हमारा। इसमें हमने एक टूथपिक ली और इसको इस तरह चुबाकर टेस्ट किया तो साफ निकले, तो टूथपिक आपका केक पक चुका है। फिर इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख दें थोड़ी देर के लिए और फिर इसको निकालें। ठंडा होने पर ही ये क्लीन से निकलेगा, अगर आप गरम पर ही निकालेंगे तो ये टूट जाएगा केक। अब मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया। ये देखिए हमारा प्लम केक तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कैसी लगी आज की रेसिपी आपको? आप भी ट्राई कीजिए प्लम केक, एक क्रिसमस स्पेशल है। कोल्ड की वजह से मेरी वॉइस थोड़ी ठीक नहीं आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।